हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैग हब। फ्रेंड्स, मैं आज आपको जीमेल अकाउंट कैसे बनाया जाता है ये बताऊंगा। कि बहुत से दोस्त हैं जिनको क्या कहते हैं अकाउंट बनाना नहीं आता, तो मैं उसके लिए एकदम सिंपल वे में, सिंपल ट्रिक से, सिंपल तरीके से हिंदी में एकदम आपको बता रहा हूँ कि जीमेल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने को क्या करना है, गूगल पर जाना है और गूगल पर जाकर अपने को जीमेल लिखना है। जीमेल लिखने के बाद अपने को किस तरह का इंटरफेस लेके आना है स्क्रीन पर, और जैसे अपन करेंगे तो यहाँ पे देखो अपने पास ऑलरेडी ईमेल है नहीं, तो हमने को क्या करना है, क्रिएट करना है, अपने को अकाउंट बनाना है। तो मैंने क्या किया, क्रिएट किया। क्रिएट करने पे इस टाइम क्या आता है, दो ऑप्शन आते हैं, फॉर माई सेल्फ एंड टू मैनेज माई बिजनेस। मतलब एक तो खुद के लिए और एक बिजनेस के लिए, तो अपने को क्या करना है, खुद के लिए बनाना है। तो मैंने क्या किया, माई सेल्फ पे क्लिक कर दिया, और माई सेल्फ क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम जैसे मैंने डाल दिया राजा, और उसके बाद KUMAR राजा कुमार। अब मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, मेल आईडी बनानी है मेरे को। तो मेल आईडी किस तरह से बनानी है, आप स्मॉल से स्मॉल, जैसे मैंने डाला भाई राजा, आज की डेट डाल देता हूँ। तो आज की डेट है, जैसे फॉर एग्जांपल आज डेट है 19/05/2020, ये मैंने मेल डाल दी राजा के नाम से। और ये इसमें अब मेरे को क्या डालना है, पासवर्ड। पासवर्ड अपने को दोनों सेम डालने, मैंने ये पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद मैं इधर भी पासवर्ड डाल देता हूँ, और ये उसके बाद दोनों पासवर्ड डालने के बाद अब मेरे को क्या करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अब देखो क्या ऑप्शन आएगा इसमें। अब इसमें क्या आ रहा है कि दिस यूजर इजंट अलाउड टू ट्राई। तो अपने को क्या करना है, कुछ डिफरेंट देना पड़ेगा। तो डिफरेंट देने के लिए मैंने क्या किया, राजा कुमार, उसके बाद 2020 और 19 डाल देता हूँ। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी इश्यू आते हैं सभी के साथ, मैं बता देता हूँ। KUMAR 19/2020। अब देखो मेल अभी भी नहीं बना। तो देखो फ्रेंड्स, थोड़ा सा इश्यू आ रहा है इसमें, तो मैं बता देता हूँ आपको क्या इश्यू आ रहा है। राज KUMAR, उसके बाद मैंने डाल दिया 19/05/2020, और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ये एक ऑप्शन आ रहा है कि हमारी ये जो मैंने बनाई है ऑलरेडी बन चुकी है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे ये दे रखा है कि इस ईमेल आईडी को अभी हम यूज करें, बट अपने को ये यूज नहीं करनी। तो मैंने क्या करना है, ओनली राज डालना है। एक बार राज डाल के मैं ट्राई करता हूँ। तो राज डालने के बाद ट्राई किया, अब देखो क्या आता है। देखो मेरी ये ईमेल आईडी बन गई राज, ये ऑप्शन आ रहा है raj19/05/2020@gmail.com। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, मोबाइल नंबर मांग रहा है। तो मोबाइल नंबर डालने के लिए जैसे मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया अपना, और इसके बाद यहाँ पे आप रिकवरी मेल आईडी डाल सकते हैं कि आपका फॉर एग्जांपल मेल आईडी ब्लॉक हो गई है या आप पासवर्ड भूल गए, तो उसका रिकवर कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपने को क्या डालना है, पासवर्ड डालना है। तो पासवर्ड डालने के लिए यहाँ सॉरी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, मैंने यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाल दी 1999, और उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर, जैसे फीमेल है तो फीमेल और मेल है तो मेल, और अदर है तो अदर में डाल सकते हो आप। इस तरह से ये हो गया, और उसके बाद अपने को क्या कर देना, नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, एक लिखा हुआ है कि सेंड OTP योर मोबाइल नंबर पे, वेरिफिकेशन के लिए एक OTP सेंड होती है। जो यहाँ पे जैसे अपन सेंड करेंगे, तो सेंड करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा, अपने पास एक OTP आएगी। अब यहाँ पे लिखना है अपने को वेरिफिकेशन कोड, जिसको बोलते हैं वेरिफिकेशन कोड। अब देखो वेरिफिकेशन कोड आया है 06154, और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसको वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई करते ही अपना ये रिसीव वीडियो कॉल है, मैसेज है, सब कुछ लिखा है आ जाएगा अपने को। और इसके बाद यस IMN पे क्लिक करना है, और यस IMN क्लिक करने के बाद आई एग्री, और आई एग्री होते ही
अपना क्या जो मेल आईडी है वो क्या हो गई, ऑलरेडी हमारी बन चुकी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप भी अपने अपने पीसी लैपटॉप या फ़ोन में मेल आईडी बना सकते हो। फ्रेंड्स आशा करता हूँ समझ आ गया होगा सभी को मेरी ये आईडी इस तरह से बनाना। तो फ्रेंड्स आप भी बना सकते हो, ठीक है। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इस तरह से बन चुकी है तो आप भी फ्रेंड बना लेना।